में 9 एवं 10 अप्रैल को पूज्य बागेश्वर धाम सरकार का बालाजी महाराज की कृपा से दिव्य बागेश्वर धाम सरकार का दरबार भी लगेगा। 11 अप्रैल को देश के प्रख्यात भजन गायक श्री चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या का भी आयोजन है। अनेक महापुरुष पधार रहे हैं, जिसमें श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, श्री प्रभु जी नांगर, इंद्रेश उपाध्याय जी, ऐसे अनेक महापुरुषों का भी आगमन है। नमस्कार, आप देखिए राजधानी समाचार, बात की जाए विदिशा की। विदिशा में एक बड़ा धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। आपने नाम तो सुना ही होगा, बागेश्वर महाराज जो छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में जन्म लिया, बागेश्वर धाम से प्रसिद्ध हैं। विदिशा में भी आ रहे हैं। विदिशा धार्मिक आस्था की नगरी है, लगातार यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। हमारे साथ अंकित कृष्ण जी महाराज हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है, कितने तारीख से चलेगा और कब तक है आयोजन रहेगा। महाराज जी, आपका स्वागत राजधानी समाचार। धन्यवाद। आप सभी राजधानी समाचार के दर्शकों को जय श्री राम। आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में आगामी 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, श्रीमद् भागवत की कथा, संत समागम एवं भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस संपूर्ण महोत्सव में 6 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर कथास्थल पहुंचेगी। इसके अंतर्गत 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक वर्तमान समय के एक युवा धर्माचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य श्री बागेश्वर सरकार, 13 अप्रैल तक 7 से 13 तक प्रतिदिन सायकाल 4 बजे श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे। इसी के मध्य में 9 एवं 10 अप्रैल को पूज्य बागेश्वर धाम सरकार का बालाजी महाराज की कृपा से दिव्य बागेश्वर धाम सरकार का दरबार भी लगेगा। 11 अप्रैल को देश के प्रख्यात भजन गायक श्री चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या का भी आयोजन है। अनेक महापुरुष पधार रहे हैं, जिसमें श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, श्री प्रभु जी नांगर, इंद्रेश उपाध्याय जी, ऐसे अनेक महापुरुषों का भी आगमन है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप विदिशा जिले व क्षेत्रवासियों के लिए? धार्मिक जो जुड़े हैं लोग, युवा भी जुड़े हैं, महिलाएं भी, कैसे आना है? आपके माध्यम से हम समस्त दर्शकों को और संपूर्ण जिलेवासियों, प्रदेशवासियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि हम सब के लिए गौरव का विषय है, चूँकि ये माँ वैत्रवती की नगरी है और ये वैत्रवती की वो नगरी है जहाँ समय समय पर अनेक महापुरुष पधारते रहे हैं। एक कालखंड यहाँ था कि जहाँ धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी एक एक महीने का प्रवास कर जाते थे, तो हम भी उसी पावन परंपरा में अनेक महापुरुष विदिशा पर कृपा करते हैं, उसी में पूज्य महाराज जी कृपा करके पधार रहे हैं। तो हम समस्त श्रद्धालुओं से और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस भव्य आयोजन से जुड़ें और धर्म का लाभ लें। आपने बताया कि यज्ञ भी होगा, तो यज्ञ में जो यजमान बैठना चाहते हैं उनके लिए कैसे संपर्क करें, क्या? जी, श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ 21 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो इस यज्ञ का आचार्यत्व कर रहे हैं। श्री बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान ने यजमान की रूपरेखा के लिए समिति द्वारा कुछ नंबर निर्धारित किए गए हैं, समिति के लोगों से चर्चा करके वो आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। स्थान बता दें और समय अपना। इस संपूर्ण आयोजन बालाजी पैराडाइज परिसर अहमदपुर बाईपास पर आयोजित होगा और सायकाल 4 बजे से कथा का समय रहेगा। कितने भक्तों की आने की संख्या लगभग क्या अनुमान लगाया? लगभग प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख समुदाय के आने की संभावना है। क्षेत्रीय प्रशासन से आपकी बात हुई? जी, क्षेत्रीय प्रशासन से, आदरणीय कलेक्टर महोदय से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, सभी से हमारी चर्चा हुई और प्रशासन पूर्ण रूप से संपूर्ण आयोजन समिति को अपना सपोर्ट कर रहा है। जरूर, जो लोग विदिशा शहर के हैं और विदिशा के आजू बाजू जिले लगे हुए हैं, जो बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम में आना चाहते हैं, महाराज जी को सुनना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लें, जरूर इस कार्यक्रम में पधारें, जिसकी 6 अप्रैल से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, 13 अप्रैल तक एक कार्यक्रम चलेगा। जुड़े हमारे साथ राजधानी समाचार न्यूज़ कमेटी।